एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि लोगों को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। बॉटम ऑफ डेक आया है 6 of Cup। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो लोगों को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? गाइस, आप में लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद ये है चीज़ है कि आप बहुत क्रिएटिव माइंड के पर्सन हो। आपके दिमाग में ना नए नए थॉट आइडियाज़ आते रहते हैं जो ना केवल आपके लिए हेल्पफुल हैं बल्कि लोगों के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं। आप लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं और लोगों को ये चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं कि आप अपने आइडियाज़ को ना शेयर करते हैं उनसे। आप अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के दम पे ना लोगों की मदद करते हैं। लोगों की मदद से ना आप और भी ज़्यादा मैं कहूँ फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद हैं कि आपका दिमाग जो है वो काफ़ी क्रिएटिव है। साथ ही लोगों को ना आप में सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आप हर चीज़ को हर सिचुएशन को ना अच्छे से देखते हैं परखते हैं फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं। आपको ये है कि पहले कोई भी सिचुएशन आई है उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया जाए, उसको अच्छे से देख लिया जाए, उसके बाद ही एक्शन लिया जाए। उससे ये होता है कि उसका रिज़ल्ट जो है ना वो पॉजिटिव ही दिखता है आपको, क्योंकि आप उन सिचुएशन में एक्शन लेने से पहले ना अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें एक्शन ऐसे लूँगा तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी भी चीज़ में, फिर चाहे आपको फाइनेंस इन्वेस्ट करना हो, अपने इमोशन इन्वेस्ट करने हो या फिर आपके करियर की बात हो, ठीक है, हर एरिया में ना आप सोच विचार कर चलने वाले पर्सन हैं, बहुत शांत रहते हैं और अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को एंड उसके बाद एक्शन लेते हैं आप। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी हार नहीं मानता, लाइक उसके दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी है, नए नए थॉट्स आइडियाज़ आते रहते हैं तो वो हमेशा अप्लाई करने के लिए ना उत्सुक रहता है, एक्साइटेड रहता है। टीम वर्क करना आपको बहुत पसंद है। लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप सबको साथ लेके चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप हमेशा लोगों के साथ इक्वालिटी रखते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। ना आप किसी को छोटा समझते हैं ना किसी को बड़ा समझते हैं, आप सबके साथ ना जस्टिस करते हैं, ठीक है। किसी के साथ भी आप गलत करना पसंद नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ बहुत पसंद है कि किसी के साथ गलत नहीं करना और ना ही आप होने देते हैं। तो ये क्वालिटी जो है ना, ये जो अच्छा है ये आपकी, ये लोगों को बहुत पसंद आती है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है आपके गिने चुने ही फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप दिल खोल के इंजॉय करना पसंद करते हैं और ये चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आप में कि आप चाहे कितने भी बिज़ी हों लेकिन उनके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं, उनके साथ चिल आउट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, फिर चाहे आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, लेकिन आप उन लोगों के लिए ना टाइम निकाल ही लेते हैं। आप उनके लिए कभी भी ऐसे नहीं दिखाते कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता या कर सकती। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि चाहे दुख हो या सुख हो आप हमेशा उनके साथ हैं, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ते और हमेशा आप उनके लिए खड़े रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हैं, आपको रेड कलर बहुत पसंद होगा या रेड कलर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन्हें दिखने में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, एक इंटेलिजेंट पर्सन लगते हैं
और एक बोल्ड इंसान, एक ऐसा पर्सन जिसकी समाज में बहुत इज्जत है, समाज में ही नहीं जिसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसकी बहुत सराहना करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हैं जो टीचर हो सकता है, या लॉयर हो सकता है, या बैंक में जॉब करता हो ऐसा हो सकता है, या मैं कहूँ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नॉलेज रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसे, वो किसी भी फील्ड का हो लेकिन उसे और फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता ही है। तो ऐसा हो सकता है कि लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि आपसे किसी भी विषय पे बात की जा सकती है, आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है खुले दिल से, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत है। आपसे किसी भी विषय पे बात कर ली जाए, आप खुल के बात करते हैं और आपको नॉलेज होती है, साथ ही आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, जितनी आपको नॉलेज है उतना ही आप बताते हैं। और आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं भी है तो आप एक्सेप्ट करते हैं सामने से कि भाई मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है आप में। साथ ही आपका एनिमल लवर होना, आप बहुत ज़्यादा एनिमल लवर होंगे, आपके पास खुद का पेट हो, ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आप एक फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, आप में क्रिएटिविटी बहुत है, कहते हैं ना क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी है, आप बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल क्लोथ पहनना पसंद हो, तो यहाँ पे मिले जुला आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करते हो। लाइक अगर आप किसी टेंपल वगैरह जा रहे हैं तो आप उसी तरीके से ड्रेसअप होते हो, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसकी तरह ड्रेसअप हो, उस माहौल की तरह ड्रेसअप हो। तो ये चीज़ है कि आप ना बैलेंस करके बहुत चलते हैं चीज़ों को, ना ज़्यादा ओवर मॉडर्न है ना ज़्यादा ओवर ट्रेडिशनल पर्सन है, आपको बैलेंस करके चलना पसंद है। तो आप एक तरफ मॉडर्न है तो दूसरी तरफ आप ट्रेडिशनल भी हैं, ठीक है, ये चीज़ है आप में और ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है। साथ ही आपको ना लोगों से डिस्कस करके टीम वर्क करके चलना बहुत पसंद है और ये चीज़ है आप में। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके दो बेस्ट फ्रेंड हो, ओवरऑल कहूँ तो आप तीन जने हैं, क्योंकि यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, वहाँ भी तीन है, तो मुझे वो तीन की तिगड़ी ना बहुत स्ट्रांग लग रही है, जो हर चीज़ में घुस के एक्सपेरिमेंट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हो और आपके दो फ्रेंड हैं, या आप कज़न हो या कैसे भी, आप तीन जने हैं जिनकी फेमस है जोड़ी, कि भाई इन तीनों की जो जोड़ी है ना ये हमेशा कमाल करती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो आप बखूबी करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। और हमेशा सपोर्ट करते हो एक दूसरे का, पार्टी करनी है तो तीनों जाएंगे, घूमने फिरने जा रहे हैं तो तीनों जाएंगे, और अगर टेंपल वगैरह जा रहे हैं या चैरिटी वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के लिए अच्छा है तो उसमें भी वो तीनों भागीदारी ले रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और उसमें ना आप हेड लग रहे हो, कि मतलब वो दो तो हैं ही लेकिन आप जो है ना आप उन दो को मिलाकर चलते हैं, आप उन दो को साथ लेके चलते हैं हमेशा, आप कभी उन दो का साथ नहीं छोड़ते। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो दो ट्विंस हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड हैं या कज़न हैं या कोई भी हैं, ट्विंस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, पर उन्हें साथ लेके चलते हो, या आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भाई भाई, ठीक है, वो तीन की तिगड़ी को ना आप बनाए हो, आप बना के चलते हो, सबसे आगे आप रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस किसी किसी से ही रेजोनेट करेगा, बहुत रेयर चीज़ है ये, ठीक है, तो जिससे भी रेजोनेट कर जाए कि हाँ मेरे ट्विंस भाई या बहन हैं और उनको मैं ही लेके चलता हूँ, हम ही तीनों एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ही तीनों अपनी तिगड़ी कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत रेयर है। तो अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और आप तीनों का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, कि आपकी वजह से ना ये ग्रुप बना है तीन का, आप उसमें हमेशा लीड पे रहते हैं और आप ही हैं जो इनके गुरु हैं, जैसे मैं कहूँ इनके गुरु हैं जो इनको
अपने साथ लेके चलता है और अच्छे कामों में लगाता है, या मैं कहूँ अच्छे कामों में सपोर्ट करवाता है, या ये आप क्या सपोर्ट करते हैं, ठीक है कुछ भी हो सकता है वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आपने जिम जाकर अपनी बॉडी वगैरह बना रखी है, खुद को मेंटेन कर रखा है, वो चीज़ लोगों को आप में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही आप में ना एक है कि अगर किसी को आपने कमिट किया है कि हाँ मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, फिर चाहे वो बहुत टाइम बाद आए या उसकी कोई भी बुरी सिचुएशन आ जाए, तो आप उसका साथ नहीं छोड़ते, आप उसका वेट करते हैं। तो ये चीज़ है आप में, मैच्योरिटी है आप में, आप में एक्शन लेने की ना क्षमता है कि हाँ मैं वेट कर सकता हूँ। आप रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाकर चलते हैं लोगों से, वो चीज़ बहुत अच्छी है आप में। प्रैक्टिकल जब होना चाहिए तब प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल जब होना चाहिए तब आप इमोशनल हैं, और आप में एक एनर्जेटिक पर्सन है जो हमेशा ना अपने काम के लिए डेडिकेट है, हमेशा आप ना एक्टिव रहते हैं अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है, रिलेशनशिप कैसे बना के चलना है, वो चीज़ आपको बखूबी आती है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो करना ही है, फिर आप वो टाइम किसी और को नहीं देते, और जो टाइम आपका काम का है वो टाइम आपका काम का ही है, फिर उस टाइम को आप किसी और को नहीं देते। तो ये चीज़ आप में बहुत अच्छी है। आप पंचुअलिटी में होंगे, टाइम पंचुअलिटी आपको बहुत पसंद होगी, टाइम मैनेज करके चलना बहुत पसंद होगा आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को ना एक अपॉर्चुनिटीज़ देता है काम की, आप एक अच्छे बिजनेस मैन हो सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ लोगों को रिलेशनशिप बना के चलना बहुत पसंद है आप, क्योंकि हर किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो, लेकिन आपके बेस्ट जो हैं वो दो फ्रेंड ही हैं, वो एक अलग ग्रुप है, वो चाहे फैमिली में हो या फ्रेंड्स हो, वो तीन का ग्रुप अलग ही है, लेकिन वैसे भी लोगों के साथ ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों की ना समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं। आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, लोगों को ये लगता है आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, ठीक है, आपको पसंद भी है फैशन, और वहीं उसके उल्टा आपको अपनी जिस भी धर्म के हो आप उसको बहुत मानते हो, बहुत फॉलो करते हो, आप वैसे पर्सन भी हो, और बेसिकली कहूँ बैलेंस है आप में, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके चलते हो, लोगों को मौके देते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, मदद करते हो, ये चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ लोगों को आप में पसंद हैं, जो भी ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर ये लोगों को आप में सबसे ज़्यादा पसंद है। आप में एक इंसानियत है, आप में ह्यूमैनिटी है, और लोगों की मदद करना आपको बहुत पसंद है, चैरिटी करते हो आप बहुत ज़्यादा, ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है आप में। एक बोल्ड अंदाज भी है, एक मैं कहूँ सॉफ्ट अंदाज भी है, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। या गाइस मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं आपके बर्थ डेट की बात करूँ तो 12, 3 और 21 हो सकती है, यहाँ पे 7, 16, 25 हो सकती है, 6, 15, 24 हो सकती है, 1, 10, 28, 19 हो सकती है, और यहाँ पे 3, 12, 21 मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, 4, 13, 31 हो सकती है, ठीक है, मुझे यही दिख रही हैं बर्थ डेट। अगर बर्थ मंथ की बात करूँ यहाँ पे मुझे जनवरी दिख रहा है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, जून और नवंबर और दिसंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट बताए हैं अगर रेजोनेट नहीं करते, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। और यहाँ पे जोडियक साइन की बात करूँ तो वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है और फायर साइन भी है, तो जोडियक साइन सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइस आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप ऐसे हैं तीन बेस्ट फ्रेंड या
आप और ट्विंस, आपके भाई बहन, ठीक है, और जिनको आप साथ लेके चलते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर था और किसी किसी से ही रेजोनेट किया होगा, सबसे नहीं किया होगा, ठीक है। और या गाइस प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।